नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, सीटेट यानी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। देखते हैं इसमें क्या है। एक्चुअली मैं बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो है मार्कशीट को लेकर के है। इसमें बताया कि गया है कि जो सीटेट का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो वो पहले 7 ईयर के लिए होती थी, लेकिन अब वो क्या है, लाइफ टाइम हो गई है। आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, तो लाइफ टाइम हो गई है। तो वो जो आपकी मार्कशीट एक बार इशू हो गई, ठीक है, जो डेट उस पर पड़ी है, ठीक है, तो वो क्या है, दोबारा से इशू नहीं की जाएगी, वो ही मान्य रहेगी। यहाँ पर यही बताया गया इस नोटिस में। देख लेते हैं और शायद कुछ इसमें मिल जाए हमको। इसमें लिखा था नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वाइड लेटर नंबर ऑफ NCET रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, हैज़ बीन इन्फॉर्म द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैरा 11 ऑफ द लेटर ऑफ, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, विच यहाँ पर देखिए डेट भी वैलिडिटी भी रेटेड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। अप्रोप्रिएट मतलब जो आपकी, मतलब जो माननीय सरकार होती है, राज्य की सरकार, उसके ऊपर बताया गया है कि वो किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली द इंटेक्शन एट द सीरियल नंबर 1 प्रिंटेड ऑन सीटेड मार्कशीट मार्क स्टैम्प्ड एंड सीटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट पीरियड सीटेड सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ऑल कैटेगरीज विल बी 7 ईयर। देखिए यहाँ पे लिखा 7 ईयर, तो 7 साल के लिए पहले वैलिड होता था, 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ मार्कशीट। जो मार्कशीट आपकी इशू होती है उस डेट से आपका 7 ईयर के लिए क्या होता था, वैलिड होता था। अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, मार्क्स स्टैम्प्ड और द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑल कैटेगरीज विल बी 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आर सबमिटेड बाई द वैलिडिटी पीरियड डेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। ठीक है, वो जिस जो राज्य सरकार चाहेंगी वो लाइफ टाइम के लिए भी वैलिड कर सकती हैं टेट के। चलिए आगे देखते हैं, जैसे सी टेट का सी, अब यहाँ पर देखते हैं, हेंस द CBSE शैल नॉट इशू एनी रिवाइज मार्कशीट स्टैम्प्ड एंड सीटेड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रटेनिंग, यहाँ पे लिखा है प्रटेनिंग टू प्रीवियस एग्जामिनेशन ऑफ सी टेट। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है जी, यही चीज़ है और कुछ नहीं। यहाँ पर जो नीचे लिखी है पूरी जे वाली चीज़ आप समझिए, इसमें कुछ और समझने का नहीं है, यही है और तो सब लोग आपको पता ही है सब लोगों को। यहाँ पे ये कहा है इन्होंने कि जो CBSE के द्वारा कोई भी अब नई जो मार्कशीट या रिवाइज मार्कशीट जो होगी वो नहीं प्रोवाइड आपको कराई जाएगी, ठीक है, ना ही जारी की जाएगी, वो आपकी जो पुरानी मार्कशीट है वो ही रहेगी। यहाँ पे देख लिए जो लिखा है प्रीवियस एग्जामिनेशन सीट है वो ही आपकी वैलिड रहेगी, अब वो ही क्या होगी, लाइफ टाइम आपकी वैलिड रहेगी। जो डेट है अब उस डेट से तो मतलब ही नहीं रहा, ठीक है, जो उस पर इशू है वो इशू रहेगी जैसे आपको डालनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी अपडेट थी। अगर आपको नोटिस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।